गुमला में शौच कर लौट रहे युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया है। परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के सलाफरी गांव की है। देर रात्रि को गांव के मोहन साहू को शौच कर लौटने के दौरान उसी गांव के पिता पुत्र ने चाकू मार कर घायल कर दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर परिजन को पहुंचने के बाद बीच बचाव किया गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घायल युवक को पुलिस सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर घायल युवक के पिता रंजन साहू ने बताया, मोहन साहू शनिवार की रात शौच क्रिया से निपट बगीचा की ओर से घर लौट रहा था, तभी सातो साहू व उसका पुत्र राहुल साहू द्वारा गाली गलौज किया गया, जिस पर इस बात को लेकर उसके टोकने पर और गाली गलौज के कारण पूछने के बाद उस पर चाकू से दोनों पिता पुत्र ने वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। वहीं इसकी सूचना सदर थाना को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मोहन साहू को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला लाकर भर्ती कराया, जहां फिलहाल इलाज चल रहा है। वही घायल के पिता ने यह भी बताया कि कुछ वर्षों पूर्व जमीन विवाद हुआ था, उसी मामले में विरोधियों ने मेरे पुत्र पर जानलेवा हमला किया है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आ रहा था तो इसको सब गाली गलौज करने लगा, तो बोल दिया कि का हुआ ये किसको गाली गलौज कर रहे, तो इसको एकदम चाकू को निकाल कर मानो पिता ने शुरू किया। राहुल क्या दुश्मनी था? दुश्मनी हम लोग का अभी कुछ नहीं था, बहुत पहले तो वही जमीन जगह का था, लेकिन अभी कुछ नहीं था। करीब 7-8 साल से क्या से मारा है? चप्पू से। कौन मारा है? सातो राहुल मारा है। और उसके बाद फिर बोलवा निकाला था, काट देंगे पूरा खत्म कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन सर। पिता है उनका? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।